डॉक्टरों को बड़े अक्षरों में लिखना होगा, कोर्ट से ओडिशा, झंडे जिग जैग, लेखन उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी कर राज्य के डॉक्टरों के साथ साथ निजी अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नुस्खे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको कानूनी दस्तावेज सुपाठ्य लिखावट या बड़े अक्षरों में लिखे जाएं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, राज्य का स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी डॉक्टर मेडिकल नुस्खे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल दस्तावेज स्पष्ट और सुपाठ्य लिखावट या बड़े अक्षरों में लिखें। न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही द्वारा ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया गया था, जिसमें न्यायपालिका और जनता दोनों के लिए बेहतर स्पष्टता और बढ़ी हुई पहुंच के लिए इसे सभी चिकित्सा केंद्रों, निजी क्लिनिकों और मेडिकल कॉलेजों में प्रसारित करने के लिए कहा गया था। अदालत ने डेंकनाल जिले के हिंडोल के रसानंद भोई द्वारा उनके बड़े बेटे सौवज रंजन भोई की सर्पदंश से मौत के बाद दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। निर्देश इस बात पर जोर देता है कि नुस्खे लिखते समय स्पष्ट लिखावट का पालन किया जाना चाहिए ताकि दवाओं के नाम में स्पष्टता रहे। कई मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते समय अधिकांश डॉक्टरों का आकस्मिक दृष्टिकोण मेडिको लीगल दस्तावेजों की समझ को प्रभावित कर रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा, बुरी तरह से और न्यायिक प्रणाली को उन पत्रों को पढ़ना और किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। अदालत ने कहा कि जिग जैग लिखावट का पालन करना डॉक्टरों के बीच एक आदर्श बन गया है, जिससे आम आदमी और न्यायपालिका के लिए उन दस्तावेजों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह का एक आदेश 2020 में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि एक चिकित्सा नुस्खे में अनिश्चितता या व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। इसे तब पारित किया गया जब न्यायाधीश को अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाले एक कैदी द्वारा प्रस्तुत नुस्खे को पढ़ने में कठिनाई हुई। धन्यवाद।